हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ प्रश्न दिया हुआ है। 125 मीटर लंबी एक ट्रेन एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल कितनी है। ट्रेन की चाल को बतानी है अपन की कितनी है। ट्रेन की लंबाई अपन लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो ट्रेन की लंबाई 125 मीटर और ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति जा रहा है तो व्यक्ति की चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो कितने सेकंड में पार करती है 10 सेकंड में पार करती है। तो समय कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, तो अपन को क्या बताया ट्रेन की चाल। तो अपन सब यही मान लेते हैं, माना ट्रेन की चाल एक्स है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी। सापेक्ष चाल अब एक ही दिशा में जा रहा है जो ट्रेन की दिशा में जा रहा है तो क्या होगा x माइनस पाँच होगी सापेक्ष चाल। अब क्या बताना है अपन को, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है, बिल्कुल यही होता है भाई जी। तो ये क्या करेंगे अपन, ये समय कितना दे रहा है 10 सेकंड, तो इसको भी अपन को काय में बदलना पड़ेगा मीटर 125 मीटर बटे 125 मीटर बटे इसको अपन को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। चलो तो इसको मीटर प्रति सेकंड में यही बदल देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 बटे 18 हो गया, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 25 125 मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, या यहाँ कर देते हैं ठीक है। यहाँ 5 दूनी 10 और 25 ये हो गया 18 दूनी 36 बराबर 18 दूनी 36 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 5, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तब क्या हो गया 36x ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये भाग में चला जाएगा, गुणा में नहीं जाएगा, कभी भाग में चला जाएगा, सॉरी भाई। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कैसे होगा ये सॉल्व, ये होगा 18 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 18 पंचे 90, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100, तो एक्स 100 बटे 2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स अपन ने क्या माना था किलोमीटर प्रति आवर में। थैंक यू।